विद्यार्थी मित्रांनो, आपले सहा पाठ सहावा मकबरा माझ्या मनातला डॉक्टर युमा पठाण या व्हिडिओत आपले स्वागत आहे. हजीज तुलबा तालिबात अंतर्भारती दसवीं के मकबरा माझ्या मनातला छठे सबक में आप तमाम का इस्तकबाल है. उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे. अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और हम इसी किस्म के वीडियो बनाकर आपके पास लाते रहेंगे. डॉक्टर युमा पठाण 1930 में पैदा हुए. सहा मकबरा माझ्या मनातला सुप्रसिद्ध साहित्यक, ये बहुत ही मशहूर मुसन्निफ़ है, साहित्य लिखने वाले हैं. संत साहित्याचे गाढ़े अभ्यासक, इन्होंने संत साहित्य में बहुत ज़्यादा अभ्यास किया है. व्यासंगी वक्त बहुत अच्छे मुखरिर है, तकरीर करने वाले हैं. पुणे ये थे 1990 साली भरलेल्या 63 अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष पद त्यांनी भूषविले आहे. 1990 में जो 63वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष पद उन्होंने लिया था. भाऊ साहेबाची बखर मराठवाड्यातील लोककथा नवरस नारायणकृत शल्यप्रभ गोपाळदास कृत सुखदेव चरित्र महानुभाव साहित्य संशोधन खंड एक इत्यादि संशोधन पर संपादित ग्रंथ संत साहित्य चिंतन शोधनी अजून आठवते इत्यादि लोकसंग्रह अशी विपुल साहित्य निर्मिती त्यांनी केली आहे. मराठवाड्यातील रेखरलेल्या शिलालेखांचा ताम्रपटांचा शोध हे त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन कार्य आहे. प्रस्तुत पाठात बीबीका मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवभावाच्या मैत्रिणीची मैत्रीचे वर्णन केले आहे. इस सबक में इस पाठ में बीबीका मकबरा और लेखक इनके बीच में जो जीवभाव की जो दोस्ती है, मैत्री है, उसका इन्होंने वर्णन किया है, उसका उल्लेख किया है. तसेच मकबऱ्याचे विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुखदुःखांच्या क्षणाचा साक्षीदार मकबरा आहे याचेही लेखकाने वर्णन केले आहे. मकबरे का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हर उस मोमेंट का, क्षण का, लम्हे का साक्षीदार है जो मेरे सुख दुख में मेरा साथी रहा है. 25-30 वर्ष झाली, 25-30 साल हो गए हैं, तरी बीबीच्या मकबऱ्यातले माझा निमला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नहीं. यानी 25-30 साल हो गए तभी भी बीबी के मकबरा और मुझे एक दूसरे का कभी भी कंटाड़ा नहीं आया, एक दूसरे से हम उबे नहीं. खरे तर आम्ही रोज में एक में करना पाहतो. सही बात तो यह है कि हम रोज़ एक दूसरे को देखते हैं. मकबरा माझ्याकडे नी मी मकबऱ्याकडे, मकबरा मेरी तरफ और मैं मकबरे की तरफ देखता हूँ. जीवाभावाचे दोन स्नेही असे जैसे रोज में एकमेकांना भेटतात, यानी चिगरी दोस्त जैसे एक दूसरे को मिलते हैं तसे आम्ही रोज भेटतो, वैसे ही हम रोज मिलते हैं. माझी नी त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नी मलास ठाऊक आहे, उसकी और मेरी दोस्ती सिर्फ उसे और मुझे ही पता है. कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही, नी मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही. यानी उसे मिलकर मिले बगैर मुझे सुकून नहीं आता और मुझे मिले बगैर उसे सुकून नहीं आता, यानी बीबी के मकबरे को. माझी विद्यापीठाला जायची वाट वाटच मुडी मकबऱ्यावरून गेली आहे. मेरी यूनिवर्सिटी यानी जामिया जिसे जो बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है औरंगाबाद में, तो ये वहाँ का जिक्र है कि विद्यापीठ को जाते वक्त उनकी जो असल रास्ता है वो मकबरे के पास से जाता है. वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले, यानी कि साल में से 3-4 बार या 4 या 2 बार जोरदार बारिश होती है कि मकई गेट वरून पाण्याचे लोंडे खालच्या प्रवाहातून वाहताना तो मकई गेट के नीचे की तरफ से पानी बड़े पैमाने पर बहता है. देखिए इस बीबी के मकबरे को जाते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा मकई दरवाज़ा है जिसे मक्का दरवाज़ा भी कहते हैं, यह औरंगाबाद में है.
तो वहाँ से वो खाम नदी गुजरती है और खाम नदी के बाजू में मकई का मकई दरवाज़ा है, मकई गेट है, वहाँ से नीचे से पानी बहता है और ये पुल से पुल के ऊपर से जाते हैं। फेस अड़ता ना दिसू लागता, यानी जब पानी बहता है तो फेस उठता हुआ दिखता है। मकई गेट के पुला जवरचे कठड़े मोला मानसानी फुलून जाता। मकई गेट के पास का जो कठड़ा है यानी किनारा है वहाँ पर बच्चे और आदमी भर जाते हैं और पानी बहते हुए देखते हैं। त्या बड़ी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाड़ती। उस वक्त मकबरे के जो विद्यापीठ की तरफ जाने का रास्ता है वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, चिखल हो जाता है। तितले अरुंद पुलावरन पानी वाहू लागते, वहाँ का जो अरुंद यानी कम चौड़ा पुल है उस पर से पानी बहने लगता है। मग स्कूटर लेने अशक्य होते, तब उस वक्त वहाँ से स्कूटर ले जाना बहुत ही नामुमकिन हो जाता, अशक्य यानी नामुमकिन। अशा दिवशी मात्र मकई गेट वरून मगबऱ्याची नजर चुकून मी जयसिंगपुरियातून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठ्या आर्च कडे वळतो। तो उस ऐसे दिनों में मैं मकई गेट से मकबरे की नज़र बचाते हुए, नज़र चुकवून यानी नज़र बचाते हुए मैं जयसिंहपुरा एक मोहल्ले का नाम है जो विद्यापीठ के बाजू में है और ये महाराजा राजा जय सिंह जो औरंगज़ेब का सिपह सालार था उनके नाम पर ये बसा हुआ है। तो मैं जयसिंहपुरियावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठ्या आर्च कडे वळतो और विद्यापीठ का जो गेट है वहाँ पर अजिंठा का जो मनोहरी दृश्य की जो आर्च बनी हुई है अजिंठा में, वैसी ही आर्च यहाँ पर बनाई गई है। पण तिच्यातून प्रवेशाताना ही मन काही से कावरे बावरे होते, लेकिन वहाँ से उस आर्च से अजिंठा आर्च से अंदर दाखिल होते हुए भी मेरा दिल कावरा बावरा हो जाता है। थोड़े से अपराध्या सारखे वाटायला लागते, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा मुजरिम हो गया हूँ। मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, मकबरा आज मेरा इंतजार कर रहा होगा। वाट पाहणे यानी इंतजार करना। काल दिवसभर काय काय घडले ते सांगायला उत्सुक असेल, कल दिनभर में क्या क्या हुआ ये कहने के लिए वो बेचैन होगा, उत्सुक यानी बेचैन। दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशांचे प्रवासी आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल और पूरे दिनभर में दुनियाभर के कहाँ कहाँ से मुसाफिर आए, प्रवासी यानी मुसाफिर आए ये कहने के लिए वो बेचैन होगा। आपण काय काल काय काय केले ते ऐकायला त्याचे मिनार अनुसलेले असतील, और मैंने क्या किया किया ये सुनने के लिए मकबरे के मीनार जो है वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे। त्याची बारादरी माझ्यासाठी साथ घालत असेल, और उसकी बारादरी यानी उसका जो फैलाव है, जो परांगन है, वो मेरे लिए वहाँ पर इंतजार कर रही होगी, साथ घालत असेल। त्याचा तेजस्वी घुमट आपल्या नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल, और उसका तेजस्वी यानी रोशन घुमट यानी गुंबद आपल्या नितळाईचे नेत्र करून यानी अपनी चमक की आँखें निकाले हुए नेत्र यानी आँखें माझी वाट पाहत असेल, मेरा इंतजार कर रहा होगा। आज मी का आलो नाही, आज मैं क्यों नहीं आया या विचाराने त्याचे मन ही गलबलून गेले असेल। मैं क्यों नहीं आया इससे उसका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होगा। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो, ऐसे वक्त में मैं यूनिवर्सिटी यानी विद्यापीठ गेट से अंदर गया, तरी माझे मन मात्र उदासावने होत असते, तभी मेरा दिल उदास हो जाता है। खरे तर गेट मधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात। दरअसल जब मैं विद्यापीठ गेट से अंदर दाखिल होता हूँ सामने का पहाड़ बहुत नज़र आता है, श्रावणातील हिरव्या लवीने ते मोठे गोजिरावने वाटतात, और श्रावण महीने में वो पूरा का पूरा पहाड़ हरा भरा हो जाता है और ऐसा लगता है वो सरसब्ज जो शादाब हो गया है बातें कर रहा है। शनात पड़नाऱ्या पावसाच्या सरीने ते नाहून निघतात, और पल भर में होने वाली बारिश से वो पूरा का पूरा पहाड़ नहा कर निकलता है, त्याची कांती तेजोमय झालेली असते, और उसका जो
किनारे हैं वो सब के सब रोशन हो जाते हैं, चमक उठते हैं। शनात पड़नाऱ्या कोवड्या उन्हाने ते तुकतुकी दिसायला लागतात, और पल भर में निकलने वाली उन्हा यानी धूप से तुकतुकी दिसायला लागतात, रोशन और चमकदार दिखने लगते हैं। त्यांच्यातून ओसरणारे झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल खोल दडवून ठेवतो, और उसमें से रोज़ रोज़ बहने वाले जो झरने हैं वो मेरे मेरे दिल में जो छुपा कर दबा कर रखे हैं। या झऱ्याचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच खुलवत फुलवत असतात, इन झरनों का जो बहाव है वो मुझे हमेशा फुला कर रखता है, खुश व खुर्रम रखता है। खुलवत फुलवत यानी कि खुश व खुर्रम रखना। दूरनच निपट निरंजनाची समाधि त्या आसमतांशी सुचितेची पवित्र्याची जनु साधत देत असते, और दूर से जो निपट निरंजन है यानी औरंगाबाद केव्स है उसके करीब में एक समाधि है निपट निरंजन की, वो मुझे पाकी पवित्र्याची यानी पाकी का एहसास दिलाती है। विद्यापीठ गेट मधून वाटचाल सुरू झाली, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी गेट से हमारी जाना आना शुरू हो गया कि डामरी रस्त्याची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेते। तो जो डामर का रास्ता है उसका जो कभी सीधा होता है कभी टेढ़ा तिरछा हो जाता है, नागमोडी हो जाता है। अतिथिग्रहावरूनी मुलांच्या वसतिग्रहावरून सावकाश सरपट सरपटत जात असते, और कभी मैं अतिथिग्रह से यानी गेस्ट हाउस की तरफ से या फिर वसतिग्रह यानी बच्चों के हॉस्टल लड़कों के हॉस्टल की तरफ से मैं खामोशी से अगर सरपट दौड़ कर चला जाता हूँ, विज्ञान विभागांना एक अंगाला टाकून जेवला जेव्हा ती कला विद्या शाखेच्या इमारतीकडे वळू लागतो त्याच वेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो, और जब मैं विज्ञान विभाग यानी साइंस डिपार्टमेंट के पास से अपने आप को बचाते हुए कला विद्या शाखा यानी आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, तो शेड में स्कूटर लगाते वक्त मैं अभ्यासिका यानी कि जहाँ पर लाइब्रेरी का हिस्सा है पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो शेड में इसको स्कूटर लगाते वक्त तो खरे तर शेड में स्कूटर ठेवत असताना मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेला मला दिसत असतो, और मुझे मकबरा दूर से नज़र आता है त्याचकडे पाण्याची साहस मला होत नाही, और मेरा हिम्मत नहीं होती कि मैं मकबरे की नज़र बचाकर जब आता हूँ तो उसे देखूँ। खालच्या मानेने मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो, और गर्दन नीची करके मैं अपना ब्रीफकेस हलाते हुए अपनी अभ्यासिका यानी अपने कमरे की तरफ जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर दाखिल होता हूँ। वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची ससमीट भेट घेत पण अभ्यासिकेचे येताच समोरच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा, और रास्ते में मिलते हुए बच्चों से बात करते हुए जब मैं मेरे पढ़ाने के रूम में आता हूँ और अपने खिड़की के करीब आकर खड़ा होता हूँ, तो जब नज़र आता है कि मेरा सामने दत्त के जैसा खड़ा है, मकबरा मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल होगा, तब तक के लिए गुड बाय।